पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। रामगढ़ प्रखंड के आस्था नानक प्लस टू उच्च विद्यालय के परिसर में बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म व वनराखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की। उन्होंने पर्यावरण धर्म की प्रार्थना के साथ पौधारोपण किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को पौधारोपण के बाद पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की शपथ दिलाई। श्री कौशल ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को बताया कि वे इस अभियान को पिछले 52 वर्षों से अपनी निजी खर्चों पर न केवल झारखंड में चला रखा है बल्कि नेपाल भूटान समेत देश के 20 राज्यों के 77 जिलों के अलग अलग हिस्सों में अब तक 37 लाख निःशुल्क पौधे वितरण सह रोपण कर चुके हैं। उनके द्वारा लगाए गए पौधे 10 वर्षों के बाद वृक्षों होने पर जब कटने लगे तभी वे वृक्षों को काटने से बचाने के लिए पर्यावरण धर्म चलाया। उसके 8 मूल मंत्रों के साथ वृक्षों पर रक्षाबंधन कर इस अभियान को आगे बढ़ाया। इससे उनके द्वारा लगाए गए पौधे के साथ साथ सरकार द्वारा कटाई किए जाने वाले वनों की नीलामी भी बंद कराने में सफलता मिली। यह मुहिम आज से 42 वर्ष पहले चलाई गई थी। वन राखी मूवमेंट के तहत अब तक करीब 5 लाख वन वृक्षों पर राखियां बांध कर पेड़ों की रक्षा की जा चुकी है। वन राखी मूवमेंट में शामिल होकर जिन महिला पुरुषों ने पेड़ों की रक्षा प्रदान करने में अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अंगवस्त्र देकर समय समय पर सम्मानित भी किया जाता रहा है। वर्ष 2019 में देश के 15 राज्यों के विभिन्न स्थानों पर रक्षाबंधन और पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी के आयोजन कर 2 लाख निःशुल्क पौधा वितरण और रोपण का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम की शुरुआत पलामू जिले के डाली बाजार के कौशल नगर से की है। उसी कड़ी में आज पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड के स्तरोन्नत प्लस टू उच्च विद्यालय प्रांगण में अशोक के पौधे लगाया गया। बाल दिवस पर आयोजित प्रिंटिंग कला प्रतियोगिता में शामिल 15 स्कूली बच्चों को गिफ्ट में पर्यावरणविद ने अपनी ओर से फलदार पौधे देकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं पूरे विश्व में बाल मजदूर जैसे प्रदूषण को जड़ से समाप्त होनी चाहिए और बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें संपूर्ण मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य महेंद्र प्रसाद एवं SI अशोक कुमार, अक्षय कुमार, बिट्टू कुमार समेत कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में पर्यावरणविद की ओर से काफी लंबे अंतराल से निस्वार्थ और निशुल्क किए जा रहे समाज सेवा को सराहनीय कदम बताया। संचालन योगनाथ शुक्ला ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुनील मांझी, सुधीर राम, प्रमोद विश्वकर्मा, चंदन कुमार, करीम अहमद, श्वेता कुमारी, धनंजय प्रसाद, सुमित कुमार, पार्थ कुमकार, सदन कुमार समेत स्कूली बच्चों ने पर्यावरण धर्म की शपथ ली। गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।